चीताखेड़ा पुलिस ने चीताखेड़ा के एक खेत के पास स्थित खंडर में बैठकर डकैती की योजना बना रहे बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के कब्जे से एक देशी पिस्टल, मैगनीज, दो जिंदा कारतूस, दो लोहे की धारदार तलवार व दो बांस के लट जब्त किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि ये बदमाश चीताखेड़ा में स्थित पेट्रोल पंप को निशाना बनाने वाले थे। मुखबिर की सूचना पर जेरन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीरन थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में अलग अलग तीन टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान चीताखेड़ा पेट्रोल पंप के पास कुछ दूरी पर राम रतन रेगर के खेत के पास बने खंडर के मकान के पास अंधेरे में पांच व्यक्ति बैठकर चीताखेड़ा पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे, जिन्हें तीनों पार्टियों की मदद से दबिश देकर पकड़ा गया तथा आरोपी गण रमेश चंद्र उर्फ रमेश, पिता रामचंद्र नायक, उम्र 35 साल, निवासी मल्याखेड़ी थाना ताल जिला रतलाम, श्यामलाल, पिता कारूलाल उर्फ कालू नायक, उम्र 25 साल, निवासी मल्याखेड़ी थाना ताल जिला रतलाम, गोर्धन, पिता लालाजी नायक, उम्र 23 साल, निवासी मल्याखेड़ी थाना जिला रतलाम, लखन उर्फ आध्या, पिता बाबूलाल नायक, उम्र 20 साल, निवासी चीताखेड़ा, श्यामलाल, पिता कारूजी नायक, उम्र 27 साल, निवासी सगरसेदरा थाना सीतामऊ जिला मंदसौर को गिरफ्तार कर आरोपियों से एक देसी पिस्टल, मैगनीज व दो जिंदा कारतूस, दो लोहे की धारदार तलवार एवं दो बांस के लट जिसमें एक लट पर तार लिपटा हुआ था जब्त किया गया। अन्य अपराधों में पूछताछ कर चीताखेड़ा और उसके आसपास चोरी की वारदात को किया जाना स्वीकार किया गया, जिनका माल जब्त किया जाए।